Assalamualaikum guys, it's me GM again, एक brand new gameplay video के अंदर सभी को welcome। तो भैया आज का video interesting होने वाला है, क्योंकि आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान के जो top players हैं, पाकिस्तान के top YouTubers हैं या TikToker हैं, वो आजकल PUBG की videos क्यों upload कर रहे हैं, Free Fire की क्यों नहीं। जैसे ही भाई partner program वापस आया, इनकी profile के ऊपर V-badge लगा है, तो इन लोगों ने PUBG की videos लगाना शुरू कर दिए। क्या इन लोगों ने partner program को छोड़ दिया? अगर छोड़ दिया तो इनकी IDs पे V-badge क्यों है और कितना अरसा रहेगा, और ये सारा सीन किया है, और इस गेम के एंड के ऊपर भाई क्या हुआ था, क्या सबसे बड़ी मैंने गलती करी है जिसकी वजह से मेरा भुइया चला गया है। बाकी चेक करो भाई एंड लेवल वीडियो, एंड तक देखना है, मजा आएगा। ओके गाइस, यहां पे हम लोगों ने लूट वगैरह कंफर्म कर ली थी, M10 और M14 तीन तीन चिप के साथ। सामने एक बंदा, अरे नॉट इशू को अच्छा हेडशॉट और किल निकाला भाई हम लोगों ने, शुरू यहाँ से कर दिया था। तो पहला किल यहाँ पे हम लोगों को मिलता है, अभी भी 30+ लाइव है। ओके, यहाँ पे एक बंदा है भाई जिसको अच्छा डैमेज कराया था हम लोगों ने, और ये बंदा लेफ्ट की साइड पे चला गया था। एक बंदा और ऊपर पोर्टल यूज कर रहा है, चलो गया, ये वही बंदा है जिसको पहले मारा था। तो अगेन इसका किल हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, दो किल यहाँ पे डन हो चुके हैं, और सामने की साइड एक और बंदा भी है। ओके, यहाँ पे भाई पांडा जिसका किल चोरी कर लिया था टीममेट ने, पीछे की साइड एक और आया है, हुए शॉटगन इसके पास, तीन शॉट पड़े हैं इसको, नहीं भाई ग्लूल तोड़ेंगे इसकी। गया एक ही गोली और यहाँ पे नॉक हो चुका है, तो इसका किल लेते ही तीन किल कंफर्म होते हैं। यहाँ पे 32+ लाइव है, प्लस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टॉप लॉबी है और बार बार बंदे रिवाइव होंगे अगर एक मरता भी है तो। ड्रॉप की साइड चलते हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा था एक से ज्यादा बंदे हैं, शायद ड्रॉप लूट रहे हैं तो इनको पकड़ेंगे भैया। एक ग्रेनेड वगैरह था तो बिना होक करे भाई इनके सर पे मार दिया, अगर डैमेज पड़ता है तो मर जाएंगे। चलो यहाँ पे एक नॉक है और इसका किल हम लोगों ने उठा लिया, दूसरा गाड़ी पकड़ के बंदा भाग रहा है। नहीं, वो पीछे की साइड से एक और आ गया है, रिपेयर किट और मेडिकेट वगैरह मार लेते हैं इसके आने से पहले ही, अगर ये पहुंच गया तो फिर काम खराब होना है क्योंकि हेल्थ बहुत कम रह गई थी। ओके, मेडिकेट वगैरह हम लोगों ने मार दिए, दो बंदे हैं शायद। ये लो भाई एम हवा में गया और इन बंदों ने भाई यहाँ पे घेर के मार दिया था। अब गाइस थोड़ी सी बात करते हैं, ये बंदे जब तक रिवाइव करते हैं तब तक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्यों भाई पार्टनर प्रोग्राम वाली सरकार आजकल टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर पबजी की वीडियोस डाल रही है, सीन क्या है। तो देखो, जैसे कि पहले अनाउंसमेंट थी कि 13 से 14 लोगों को पार्टनर प्रोग्राम के अंदर ट्रेल वर्जन में ऐड करा गया था, उनमें से 5 को मिला था वी बैज, और हर मंथ ये बंदे रिप्लेस होंगे जिनके व्यूज अच्छे आएंगे उनसे, यानी एक मंथ 5 के पास वी बैज होगा, अगले मंथ दूसरे 5 के पास होगा जिनके व्यूज़ अच्छे आएंगे। तो ये कंपटीशन अब व्यूज़ के ऊपर होगा, फॉलोअर्स के ऊपर होगा। अब बात करते हैं ये भाई पबजी की वीडियोस क्यों डाल रहे हैं। भाई पबजी की वीडियोस इसलिए डाल रहे हैं ये लोग ताकि गरीना वाले ये ना बोलें कि भाई सिर्फ हमारी गेम ही खेलें ये लोग। गरीना वालों का एक सख्त रूल है, अगर आप पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो इस दफ़ा सिर्फ आप लोगों को फ्री फायर गेम खेलना पड़ेगी। तो इस वजह से भाई टॉप यूट्यूबर्स जो है ना वो फ्री फायर की वीडियोस के अलावा पबजी की वीडियोस भी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो एक गेम पे रहना नहीं चाह रहे, और ये ग्रीना का थोड़ी सी ज़्यादा ही सख्त पॉलिसी है। मैं बोलूँगा इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि दूसरी गेम भी इंक्लूड करना चाहिए, एटलीस्ट 8-10% कॉन्टेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आप 100 वीडियोज़ फ्री फायर की डालती हो तो उनमें से 10 ऐसी होनी चाहिए जो दूसरी गेम्स की हों। देखो पहले ग्रीना का रूल ये था कि अगर आप 100 वीडियोस डालते हो तो उनमें से 10 वीडियो आप दूसरी गेम की भी डाल सकते हो पार्टनर प्रोग्राम में रहते हुए, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं। अब ग्रीना चाह रही है मेरे ख्याल में कि 100% जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ग्रीना चाह रही है कि 100% कॉन्टेंट उनका हो, लेकिन ये चाह रहे हैं कि भाई नहीं हम दूसरी गेम भी खेलेंगे। तो इस वजह से भाई काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा आप टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं कि हमने पार्टनर प्रोग्राम जो है ना छोड़ दिया, आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लो। तो ये सीन है भाई, इस वजह से काफ़ी सारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो पबजी की वीडियोस भी लाना शुरू हो गए हैं, वो एक गेम पर रहना नहीं चाह रहे और ग्रीना चाह रही है कि 100% उनका कॉन्टेंट हो। ये मेरा नॉलेज है जितना मुझे पता चला है, इन्फॉर्मेशन मिली है, और ये तकरीबन up to 95% ये न्यूज़ सच है जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी थोड़ा सा हो सकता है कुछ अलग हो क्योंकि रूल्स जो है ना इस तरफ बहुत ज़्यादा हार्ड रखे हैं ग्रीना ने पार्टनर प्रोग्राम के लिए, तो इस वजह से भाई रूल्स को ये लोग थोड़ा सा फॉलो नहीं करना चाह रहे, इस वजह से इन लोगों ने पार्टनर प्रोग्राम छोड़ दिया है, कुछ ने छोड़ दिया। इनके जो प्रोफाइल के ऊपर वी बैच है ना वो हट जाएंगे बहुत जल्द, आई थिंक एक मंथ जैसे ख़त्म होगा तो हट जाएंगे।
ओके गाइस, आप गेम के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे एक बंदा था, काफी अच्छे हेडशॉट लगे हैं। लो जी, इस साइड के ऊपर बंदा था जिसको एक दो शॉट पड़े थे, लेकिन ये किल कोई और ले गया था। एक और बंदा जिसने यहाँ पे अपने को एफजीएल का लॉन्चर मारा है। वे पांडा को अच्छा हेडशॉट, पांडा भैया भी लो, जिसने किल चोरी करा है उसको भी हेडशॉट लगा है। ये भाई अपना दूसरी तीसरा किल यहाँ पे चोरी करा है इन लोगों ने। 6 किल यहाँ पे डन है। चलो ये नॉक हो चुका है और इसके साथ अपने किल्स की तादाद जो है ना 7 हो चुकी है। ओके गाइस, यहाँ पे लास्ट जोन जो है ना बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। 10 बंदे रह गए हैं, 7 किल यहाँ पे डन है। और यहाँ पे भुया भाई इजीली आपका भाई करा सकता था, क्योंकि 1v10 मारना लास्ट जोन में कोई इम्पॉसिबल नहीं है अगर जीएम भाई लास्ट जोन में अलाइव हो। बाकी चेक करो भाई क्या यहाँ पे भुया पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। बाकी मशीन थी इस वजह से भाई एनिमी जो है ना बार बार रिवाइव करी जा रहे थे। 2 बंदे साइड, वहीद यहाँ पे नॉक है, एक और बंदा भी है। अच्छा बॉडी स्प्रे और इसके ऊपर रश करेंगे। एफजीएल के लॉन्चर जरूर थे, एक आधा मारा भी था शायद यहाँ पे। चलो 55 का उसके भी डैमेज पड़ा है, अगर रश के लिए आएगा तो मरेगा। ओए यहाँ पे लैला है आई थिंक। चलो लैला का भी किल मिल चुका है, तो यहाँ पे होते हैं 9 किल डन। भाई लास्ट जोन में भी रिवाइव कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहले जो 10 थे वो ज्यादा हो गए थे 12। आय हाय हाय, अच्छा हेडशॉट स्कार का और इसके साथ 10 किल। तो यहाँ पे आ जाती है भाई अल्ट्रा प्रो की काल, यहाँ पे अच्छा हेडशॉट जरूर मारता हूँ, लेकिन एक हाथ से भाई मोबाइल पकड़ा होता है, जिसकी वजह से भाई पीछे की साइड से बंदा मार देता है, इतनी जल्दी ग्लोल डाल नहीं पाता। तो ये सीन होता है भाई, लास्ट मोमेंट पे अल्ट्रा प्रो की कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से गाइस ये वाला भुया इधर ही मिस, यानी कि इजीली भुया हो सकता था, बट टीममेट अकेला रह गया था। और ये चेक करो, ये आई थिंक इधर ही मर गया था। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस भाई का चेक कर लो कैसे मरता है।